गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास सेवन्थ। आई एम गोइंग टू टीच चैप्टर सिक्स। नेम इज स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। इसमें हमने कल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि 315 अबाउट होते हैं, जिसमें थ्री टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, है ना। ये आपको समझ में आया होगा। आज हम एटम के बारे में पढ़ेंगे। एटम क्या होता है? एटम मीन्स यू स्टडाइड द एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस एंड ऑल अदर सब्सटेंस आर मेड ऑफ एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स एटम्स के से मिलकर बनते हैं। जितने भी सब्सटेंसेस हैं सारे एटम से मिलकर बनते हैं, है ना। आपको समझ आया? जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो एलिमेंट से बनते हैं, एलिमेंट एटम से मिलकर बना होता है। अब हर एक एलिमेंट्स एटम से मिलकर बनता है, बहुत सारे मतलब कुछ एटम से मिलकर एलिमेंट बनता है। एलिमेंट भी एक तरह से प्योर ही था, लेकिन एटम उसका और प्योर रूप है। अब मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोप पार्टिकल कॉल्ड एटम। जितने भी मैटर है वो छोटे छोटे माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे जाने वाले पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिन्हें एटम कहा जाता है या मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। अब जो वर्ड एटम है वो उसका मीन्स होता है समथिंग कैन नॉट बी कट आर डिवाइड, मतलब ऐसा कुछ भी जिसे हम न तो तोड़ सकते हैं न ही उसे काटा जा सकता है, तो उसे एटम कहा जाता है। अब इंडियन एक फिलोसोफर है कणाद, जिसने ही उस कण की खोज की थी, है ना। उनके नेम के आधार पर ही उसको स्मॉल पार्टिकल को क्या कण कहा जाता है। अब फर्स्ट पर्सन था जिसने एक थ्योरी प्रपोज की थी, एलिमेंट इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। जितने भी एलिमेंट होते हैं बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, जिन्हें एटम कहा जाता है। ये इन्होंने थ्योरी प्रपोज की थी। अब जिस कोई एटम्स होते हैं वो सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकली एवरी रेस्पेक्ट एवरी सेम मास। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेम, उनके जो एटम है वो हमेशा सेम मास के साइज के और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है उसकी, है ना। जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी सेम एलिमेंट है उनके सारे एटम की प्रॉपर्टीज, साइज और मास सेम होता है। और एटम जो होता है उसे ना तो थोड़ा क्रिएट किया जा सकता है, न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जैसे एनर्जी होती है ना, जिसे न तो क्रिएट कर सकते न डिस्ट्रॉय कर सकते, उसी प्रकार एटम को भी न तो नष्ट किया जा सकता है न ही बनाया जा सकता है। एटम्स का मीन्स होता है अणु। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड मीन्स होता है यौगिक, मॉलिक्यूल्स यानी कण, मॉलिक्यूल्स मीन्स होता है अणु, और एटम्स मीन्स होता है परमाणु, है ना। अब आपको समझ में आएगा कि जितने भी जितने भी कंपाउंड होते हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, और मॉलिक्यूल्स जितने भी होते हैं वो सारे एटम से मिलकर बने होते हैं, है ना। सबसे छोटी यूनिट क्या हुई? एटम हुई। अब इसमें देखते हैं, जो कंपाउंड जो होता है वो डिफरेंट एलिमेंट्स से ज्वाइन होकर, है ना, उनके जो एटम्स है वो ज्वाइन होकर एक कंपाउंड बनाते हैं, है ना। एक डेफिनेट रेशियो में ज्वाइन होते हैं जिसे केमिकल कंपाउंड कहते हैं। अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कंपाउंड के, वो जितने भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स है वो सारी उनकी प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है ना, सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। मतलब जितने भी एलिमेंट उसमें भाग लिए कंपाउंड बनने में, वो सारी अपनी अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब कंपाउंड की छोटी यूनिट का हम बात करें तो मॉलिक्यूल होता है ना। कंपाउंड से छोटी यूनिट क्या होती है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से छोटी यूनिट होती है एटम। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें किसी कंपाउंड की, तो उसकी प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती है उससे अलग होती है। जैसे हम बात करें ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या थी, ये गैसेस थी। अब इन दोनों जब ज्वाइन होती है तो क्या बनता है? वाटर बनता है, जो कि एक लिक्विड है, है ना। इस टाइप से जो प्रॉपर्टीज होती है वो मॉलिक्यूल की और लिक्विड कंपाउंड की अलग अलग होती है। अब इसमें जैसे 2H2 प्लस O2 से मैं दोनों गैसों से क्या बना? वाटर बना। 2H2O, H2O मीन्स वाटर, है ना, वाटर बनता है। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ यानी उसके गुण क्या होते हैं, तो जितने भी कंपाउंड होते हैं वो केमिकली कंबाइन होते हैं, जो एक फिक्स रेशियो में एलिमेंट
कंबाइन होते हैं, एक है ना, जैसे एग्जांपल दे रखा है वाटर विल ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब वाटर बनता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से तो उनका अनुपात फिक्स होता है 2:1, है ना, 2:1 का होता है, ये फिक्स रहता है हमेशा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करें तो कंपाउंड जो होते हैं डिफरेंट होते हैं इनसे, एलिमेंट से, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें भाग लिए कंपाउंड बनने में, उन एनिमल की प्रॉपर्टीज़ और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग आती है। जैसे एग्जांपल दे रहा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या थी, गैसेस थी, जब दोनों ज्वाइन हुई तो वाटर बना, वाटर क्या था, एक लिक्विड था। तो इस टाइप से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो बदलती जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या दे रखा है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट जो भाग लेने वाले एलिमेंट हैं किसी कंपाउंड के बनने में, तो उन्हें केमिकल मेथड के द्वारा अलग किया जा सकता है ना, अलग किया जा सकता है। सारे हम केमिकल, सारे जो कंपाउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कंपाउंड होते हैं जिनको एलिमेंट, जिनके एलिमेंट को हम अलग कर सकते हैं। कैसे, इलेक्ट्रिक करंट पास कराकर, है ना, जैसे वाटर को हम वापस गैस में चेंज कर सकते हैं। वाटर क्या है, लिक्विड है, जब इसे हम गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों निकल जाएगी और दोनों एलिमेंट अलग अलग हो जाएंगे। इस टाइप से हम कंपाउंड से एलिमेंट को निकाल सकते हैं या एलिमेंट को मिलाकर कंपाउंड बना सकते हैं, है ना, ये संभव है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे।